हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह की राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धोकर, और अब थोड़ी सी पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद नदी विसर्जन के लिए जाऊँगी। तो आप लोगों के भी दर्शन ज़रूर कराऊँगी। सुबह उठ के मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए हैं और उसके साथ ही आज का भोग रहता है दही चावल का और गुजिया का, जो मैंने निकाल लिया है। बस अब पूजा करूंगी और उसके बाद तुरंत ही हम लोग निकलेंगे। पतिदेव बना रहे हैं चाय मेरे लिए भी और अपने लिए भी, तो थोड़ा कोऑपरेट सबको करना पड़ता है तभी चीज़ें हो पाती हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो। तो आज विसर्जन का दिन था और 5 बजे सुबह उठ गई थी जल्दी से नहा धोकर, घर के भगवान रूम की साफ़ सफाई कर ली। और फिर जब हम विसर्जन पे जाते हैं तो आटे के दिए का महत्व है, तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाई और उसका दीपक बना लिया। एक साथ ही दही चावल और गुजिया का महत्व भी होता है। जय देवी हरताली के इस तरह मैंने गणेश जी की आरती की, उसके बाद शंकर जी की और फिर हरितालिका माता की, और अब इसे विसर्जन करने के लिए निकल रही हूँ। तो शहर में ही हमारे अरपा नदी है, बहुत सारे घाट बने हुए हैं, वहाँ पर जाने की सोची लेकिन वहाँ काफ़ी सारी भीड़ दिख रही थी। तो हम हर साल जहाँ जाते हैं पतिदेव थोड़ी दूर पर, जहाँ पे साफ़ सुथरा पानी है वहाँ पर जाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे महादेव जी बिल्कुल साफ़ सुथरे जगह में ही विसर्जित हों, ऐसा मेरी अपनी सोच है। और हस्बैंड मेरे लेकर भी जाते हैं। तो हमारे शहर से करीबन 10-15 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे से थोड़ी दूर पर नदी के लिए जाना पड़ेगा। रास्ता थोड़ा सा पथरीला है लेकिन कोई नहीं, और मैं चप्पल नहीं पहनती क्योंकि मेरे हाथ में भगवान जी हैं, भगवान जी को पकड़ के मुझे चप्पल पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अगर ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो बिना तकलीफ़ के तो जीवन में वैसे भी कुछ नहीं मिलता, और इतनी तकलीफ़ सहन करने की आदत तो हमें होनी ही चाहिए। इन सब मामलों में अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति वाली बात है। तो मुझे ऐसे ही जाना पसंद है, थोड़ा समय लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं। इस तरह मैंने रास्ता पूरा किया और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह थी, बहुत ही बहता हुआ पानी था, देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पर मैंने अपनी शंकर जी की एक बार और पूजा की, साथ ही नदी की भी पूजा की, क्योंकि हम हर नदी को गंगा नदी स्वरूप मानते हैं। तो पहले नदी की पूजा की, फिर शंकर जी की पूजा की और उन्हें बहुत अच्छी तरह से विदाई दी। और हर साल मैं इसी तरह तीज का व्रत अच्छी तरह कर सकूं और मेरे हस्बैंड भी मुझे हर जन्म में मिलें, इसकी कामना करते हुए मैंने अपने जो शंकर जी बनाए थे उनको विसर्जित किया। दीप पूजा बहुत अच्छी तरह सार्थक हो गई। साथ ही विसर्जन के बाद जो दीपक जल रहा था वो भी काफ़ी दूर तक जा रहा था, तो हमने थोड़ी उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे कोई भी बेस नहीं था, सिर्फ पत्तियां और फूल थी, उसी के बेसिस पर दीपक जलते जलते काफ़ी दूर तक जा रहा था। तो ये सब भगवान जी का आशीर्वाद लगने लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख कर, आप भी देख सकते हैं। सुबह सुबह मैंने सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाया, कुछ पात्र नहीं ले गई थी लेकिन हाथों से ही जल चढ़ाया, उन्हें भी प्रणाम किया। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ठंडक सी थी। हेलो दोस्तों, तो मैं अपने शहर के ही अरपा नदी में थोड़ी दूर पर विसर्जन के लिए आई हूँ। मेरा विसर्जन भी हो गया है। अब ये प्रसाद है जो भगवान जी को पहले चढ़ाई थी और उसी को अब ये लेकर आई हूँ, और इसी से मैं अपना व्रत छोड़ूंगी और साथ ही घर जाकर अब गणेश जी का वेलकम करना है, उनकी तैयारी करनी है। तो करीबन सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मेरा सारा चीज़ यहाँ का हो गया है। अब हम घर वापसी के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 4 दिन पहले ही बेटे ने घर पर ही मिट्टी लाकर गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है।
जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा है और अच्छी तरह फिनिशिंग आते जा रही है, और इस बार तो काफ़ी बड़े गणेशा बनाए थे उसने, बहुत ही खूबसूरती से बनाए थे। हम भी उसे पूरा कोऑपरेट करते हैं, उसका जिसमें मन लगता है। तो ये बन गए हैं गणेशा, इसमें बहुत अच्छी तरह कलर करके साइड में अच्छे से अच्छी जगह देखकर रख दिए थे। और फिर हमने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें निकाली, घर पर जो भी सामान पड़ा था जैसे कि थर्माकोल और वेलवेट पेपर था उसे लगाया, कुछ लेस रखी थी, साथ ही रखे थे मिरर, तो बस उसी से मैंने और इसने मिलकर बहुत अच्छी तरह से एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। है गणेश चतुर्थी और इस तरह से मैंने गणपति बाप्पा का स्वागत किया, उनका टीका किया, उनकी आरती उतारी और उनको वेलकम किया अपने घर पर। और फिर जो जगह हमने बनाकर रखी थी, जो सजावट करके रखी थी, वहां पर स्थापित किया। गणपति बाप्पा दोस्तों। तो गणेश जी अभी अपनी जगह पे विराजमान हो गए हैं, उनकी आरती करके हमने उनका गृह प्रवेश किया है और अभी पूजा शुरू होगी, उसके बाद ही आपको चेहरा दिखाया जाएगा। तो इस तरह से किया है समर्थ ने डेकोरेशन, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। पूजा की भी पूरी तैयारी उसी ने की है। तो फिर मिलते हैं पूजा के बाद। हमारे घर पर किसी पंडित को नहीं बुलाते हैं, पतिदेव को काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो बस उन्होंने पूजा बताना शुरू किया और बेटे ने पूजा करना शुरू किया। इस तरह से आप देख सकते हैं गणेश जी का चेहरा अब खुल गया है, अब विधिवत पूजा होगी। काफ़ी सारी विधियां होती हैं जो पतिदेव बताते जा रहे थे और बेटा करते जा रहा था। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जायेत्यं महेशं विदग्निवं चारुचन्द्रासनं रत्नाकर कुजलांगं पद्मग्राभीति हस्तं पद्मं पद्मासीनं समन्तानं शुभावन्नं विष्णुन्दं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनयनं भुजवन्दितं तिष्ठं दृष्टं त्रिनेत्रं भृदुर्मेशं भूतिराजं पुराणं अमरसपूज्यं रक्तवर्णं पुरुषं पशुतिसदं निखिलराजं नमामि ध्यायेत्तासत्रमण्डलं मध्यवर्ति नारायणं सृत्यान्सनिशकेयुर्वानमकरपुराणपिति हारिहरणं चक्र नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः प्रकृतिपुत्रानीतावृतार्थनाम्। इस तरह बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। बेटे को इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हम उसे पूरा कोऑपरेट भी करते हैं। साथ ही मैं बना रही थी भोग। आज पहला दिन था तो मुझे मोदक बनाने थे, तो मैंने बनाए हैं खोए के मोदक, साथ ही दाल चावल सब्जी रोटी का भी भोग चढ़ाया है। अब बारी आ गई है आरती करने की, तो बहुत अच्छी तरह पूजा पाठ होने के बाद अब लगेगा भोग। देव जय देव जय मंगलमूर्ति ओ श्री मंगलमूर्ति दर्शना प्रेमानो स्वामी मात्रेमानो कामना पूर्ति जय देव जय देव रत्नपतितापराजी दुलारी कुमरा कुंदनाची ओटी कुंकुम केशराज जय जय कामकटा शोभतोभरा कुंदनी ने पूरे जने गागरिया देव जय मंगलमूर्ति ओ श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मानो सोने मात्रे मानो कामना पूर्ति जय जय देव रघोरति सांबर वैवर वंदना सर्वतुंडा वक्र तुंडा त्रिनयना सहस्रमाचा शिवाय च नमः शिवाय कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यत् लक्ष्मणस्मरस्मै नारायणाय इति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया बोलो गणेश भगवान की जय बोलो गणेश भगवान की जय।
मैं कई प्रकार के मोदक बनाती हूँ, अलग अलग प्रकार के, लेकिन आज मैंने बनाए हैं खोए के मोदक। तो इसको खोए को मैंने पहले हल्का सा गर्म कर लिया, साथ ही उसमें डाल दी है चीनी पाउडर और उसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बूरा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, गैस को बंद कर दीजिए और फिर आटा और मैदा मिक्स किया है, थोड़ा सा उसमें डाला है घी, थोड़ा सा नमक, इसे अच्छी तरह सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है और इस मोदक को फ्राई करके बनाया जाता है। तो इस तरह मैंने इसमें बैटर भर लिया और एक अच्छा सा मोदक का शेप दिया, साथ ही तेल गरम करने रख दिया, धीमी आंच पर उलट पुलट के मोदक को तल लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर पर गणेश जी की पूजा हो गई है बहुत अच्छे विधि विधान के साथ, आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। ये देखिए समर्थ ने बनाए हैं अपने हाथों से गणपति बाप्पा और अब ये विराजमान हो गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पूजा पाठ, डेकोरेशन, साथ ही पूजा आरती नैवेद्य में बने हैं आज मोदक। आप भी वीडियो के द्वारा खा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह पूजा आरती हो गई है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज रहे हैं 7:30 और समी के पापा घर आ गए हैं, तो जूनो ने अब पूजा शुरू कर दी है। तो शाम को भी थोड़े से अच्छी तरीके से पूजा की जाती है, यानी कि आचमनी करना अनिवार्य है, साथ ही नैवेद्य और आरती और एक राउंड फिर से गणेश जी की छोटी सी पूजा। तो हमारे घर पर सिल्क के कपड़े पहनकर ही भगवान जी को हाथ लगाया जाता है, इसलिए इसने सिल्क की धोती साथ ही सिल्क की कोटी पहनी है और जनेऊ के बाद टोपी पहनना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए समर्थ ने टोपी भी पहनी है और बहुत अच्छे भाव से अच्छे मन से पूजा कर रहा है। अब हम इसके साथ खड़े शंकर दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। करीबन शाम के 7:30 हमने मिलकर आरती पूजा की। तो दोनों टाइम पूजा आरती करने का नियम भी है और नियम से करता भी है, और स्कूल शुरू होने के बाद सुबह स्कूल जाने के पहले ही पूजा कर लेता है क्योंकि उसने अपना ऐसा नियम बना कर रखा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।